शहर के कॉलेज रोड वार्ड संख्या 23 के जटिया कॉलोनी स्थित एक इमारत पर मोबाइल कंपनी की ओर से टावर लगाए जाने का विरोध होने लगा है। क्षेत्र के लोगों ने बुजुर्गों तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का हवाला देते हुए टावर लगाने का विरोध किया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस बाबत पूर्व में भी नगर परिषद प्रशासन को इस बाबत शिकायत की गई थी, लेकिन परिषद प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने के कारण मोबाइल कंपनी के अधिकारी आबादी क्षेत्र में टावर लगाने पर आमादा है। उधर गुरुवार को इमारत पर टावर के उपकरण लगाए जाने का काम शुरू होने पर क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया। विरोध स्वरूप क्षेत्रवासी नगर परिषद जहां पर नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे मोबाइल टावर का विरोध करते हुए उसे हटाने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस बाबत पूर्व में भी विज्ञापन दिया गया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आबादी क्षेत्र की इमारत पर मोबाइल टावर स्थापित कर दिया गया है। क्षेत्रवासियों ने बुजुर्गों तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही टावर को हटाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राजू धौलपुरिया, विमला जोनवाल, लेखराज, कमल कुमार, गोपाल दुर्गावास, सुनील जोनवाल, वासुदेव, दयाराम, मुकेश, निर्मल कुमार, अरुणा, पारी देवी, हेमलता तथा इंदिरा देवी सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। नंबर 23 जटिया कॉलोनी में जो राजेंद्र बोरा के घर से टावर लग रहा है गैर कानूनी तरीकों से, हमने पहले भी पूर्व में आयुक्त साहब को एप्लीकेशन देके गए 13 मार्च, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। आज वो उसके ऊपर यंत्र वगैरह जो सामान लगे उस जिसके विरोध में हम वापस आयुक्त साहब के यहाँ पर आए हुए, वो पूरी महिलाएँ औरतें सब एक साथ इकट्ठी होकर आके टावर का विरोध करने के लिए हम पकड़े।